तुझको नहीं भूलूंगा। एक औरत का उद्धार कर रहे हैं। सही ऐसे ऐसे ड्यूटी हमारी आप भी है नेताजी। हल्का हो गया शरीर, हल्का हो गया। अरे माल साला एकदम लोहा था यार। चलो कोई बात नहीं, हम भी हल्के होके आते हैं। चलो पहुंचो पहुंचो। एक एक कर रहे वाले मिट्टी लाग रहा है वहां झाड़ी कर रहे साले लाल है तो कपड़े से झाला जाता है साले हाथों से झाल रहे वाले क्या रे। छोटे मालिक कहां गए हैं? छोटे मालिक क्या बात है रे नौकर, मांसल खा तो हड्डी साथ में ले चले आवत। कौन सी हड्डी यार, कब से मैं बाहर तो आ गया थोड़ी है। अरे यार हम लोग जल्दबाजी का काम करते हैं, पहनते पहनते निकल लेते हैं। क्या बात है, कुछ कहा क्यों देख रहे हो पहले के कैसे लाग रहा साला का हमारे पंखा पानी नहीं पी है कितना साला नालायक है। तेरी माई की चौदह ने कहा पहले अपने सकल आईने में देखो जाके लंबाई साले देख। अरे तेरी सूरत गांव के जानवर देख ले तो पागू करना बंद कर दे। मालिक जैसे भंडारा चल रहा है तो या तो पहले खीर हम होना के दी जा। मालिक ऐसे ना हो रमुआ पर बसे और सटनिया तरसे। अब तुम तरसोगे क्योंकि वो बेहोश हो गई। तो मालिक जाने से कोई फायदा नहीं। टाइम का हो, टाइम बहुत ज्यादा हो गया तो हम जब चेला हो गया। सुबह का वक्त है, चलो चलते हैं। कहाँ स्नान करेंगे, शंकर भगवान की पूजा करेंगे और फिर उसके बाद में नए भेष में मुलाकात करेंगे। मुझे लूट के बर्बाद कर डाला, मुझे जीने के काबिल दुनिया में नहीं है सारे। मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ मेरे भैया। दोनों भाई सोच रहे कि तुम्हारी बहन इस दुनिया में नहीं है,
जन्नत में छोड़ कर जा रहे हो, आप किसी नदी अताल में कूद कर मैं अपनी जान को दे दूंगी। मेरा तो कोई नहीं था, मेरी तो दुनिया उजड़ गई। जो दर्द मिला अपनों से मिला, पानी पिलाने के लिए आता है और खुद पानी पीने आता है। आज हम सब लोग तैयार करके जीप निकालो और चलते हैं कहां, झीलम नदी के पास। लेकिन ये सूरज इस पत्थर कहीं नहीं दिखाई दे रहा। कौन इस पत्थर सूरज, ये क्या हुलिया बना रखे हो और शराब पीकर क्या आए हो क्या? नहीं सर, मैं शराब नहीं पीता हूं। फिर यह हुलिया कैसा है तुम्हारा? सर मैं पुलिस की नौकरी नहीं करना चाहता। क्या बात कर रहे हो? उसकी नौकरी नहीं करना चाहते हो? जब पुलिस की नौकरी कोई बनिया की दुकान नहीं है। जब चाहो शटर खोल दो और जब चाहो तो शटर बंद कर दो। मैं भी कुछ कह के आया था यहाँ पे कि मैं सुवर्दी को कोई बिजनेस नहीं समझता। जब चाहूं तब मैं इसे पहन सकता हूँ और जब चाहूं तो इसे खोल के मेरी नौकरी छोड़ने का मेरा मकसद है। वो कौन सा मकसद है तुम्हारा जो तुम नौकरी छोड़ कर जा रहे हो? सब कुछ जान जाओगे, जान जाओगे, सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए मैं नौकरी को छोड़ करके जा रहा हूँ और तुम अपनी देखिए, मैं अपना देखूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? किस कानून की बात करते हो? इस रंडी और भरुहे कानून की बात करते हो? ये तुम्हारा अंधा और बहरा कानून ना तो आंखों से देख सकता है और ना तो कानों से। इसलिए कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। बहुत गलत कर रहे हो, कानून को अपने हाथ में ले रहे हो। और याद रहे क्या? याद रहे एसपी वीर सिंह। ओ माय गॉड, आज तुमने हमारा नाम लेकर इन आंखों में आंसू नहीं खून बहते। याद रहे जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब ना हो जाऊं तब तक मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, वरना वरना क्या करेगा? भूल जाऊंगा। क्या भूल जाऊंगा? तुम मेरे सीनियर हो, मैं तुम्हें इस दुनिया से देखा देखा चौकीदार
देखो सर, आजकल एक तो पढ़े लिखों को नौकरी मिलती नहीं है, अगर नौकरी मिल गई फिर भी देखो कितना कमीना निकला। अब एक काम करते हैं, कौन सा सर? लोटाराम एक काम करो, अब ये देखो ये सूरज जाता कहाँ है, किससे मिलता है और क्या बातचीत करता है, चलो हमारे साथ। अरे मेरा इशारा है, कयामत का इशारा है, अरे मेरा इशारा है, कयामत का इशारा है, अरे शेर है हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान। हमारा नाम डाकू कुंदन सिंह है, अरे हम बहुत मादरचोद इंसान हो, अगर हमारे इलाके में किसी ने पुलिस को मुखबरी दिया, अरे तो उसके गोली होगी अंदर होगा। बहुत वक्त हुआ लेकिन अभी तक पहाड़ी अड्डे पे नहीं आया, पहाड़ियों क्या बोला रे, को पंडा मारूंगा भेजा बाहर हो जाएगा भैया, खराब बोलो दूसरी बोलो तो असर मिली बात बोलो। अरे मिट्टी का शेर, मिट्टी का शेर कंकर से फोड़ दूं, ससुराल में सरहद चुम्मा न दे ससुर जाना। और ये नाल किधर को है रे, एक दिन तुम्हारी मौत तुम्हारे हाथों से हो जाएगी पहाड़ी। अगर ससुराल में साली चुप्पा नहीं देती है उड़ी जाती हूँ तो ससुराल खराब है। अगर ससुराल में हम मान सम्मान न हो तो ससुराल में फायदा का। तुम्हें मालूम होना चाहिए, कहिए जो बड़े सरदार हैं जिनका नाम है डाकू शंकर सिंह, ये तो सत्य है। एक हफ्ता हो गया मुलाकात नहीं हुई है, आज जाऊंगा अड्डे पे मुलाकात करूंगा और फिर बाद में प्लान बनाऊंगा कि आज की रात में डकैती कहां डालनी। चलो आओ जाओ, चलता हूँ जमीन पे जमीन थरथराती है, हवा हवा रू बदल रही है, आज अड्डे पे कोई साथी नहीं, जय चंबल जय काली, जय मां जवान, जय मां भवानी का हो रहा है। सरदार जब तक ये जवानी है तब तक ये भवानी उठेगी, जवानी नहीं रहेगी ये भवानी नहीं उठेगी। साथियों हम आप लोगों से ये लगी खबर जाना चाहते हैं, बोलो तो ये लोग आपको भरने में तब से पढ़कर कोई नमाखार है, क्या खबर लाए हो जिंदा मुर्दा गिरफ्तार और अरे लखा 50,000 पुलिस को मेरा चोरी चाला दिखाना हो खेलना
पहाड़ी मत कहना, पहाड़ी तरसीलो मालूम पड़ता है पुलिस का मुकर है। तरसीलो आ गया आज ऊंट पहाड़ के नीचे, पहाड़ आ गया ऊंट के नीचे। कौन है तू? हमें लगता है सरदार ये पुलिस का मुकर है। आदेश दो, अगर ये साला पुलिस का मुकर नहीं है तो हमें लगता है ये कितनी चोर। ठहरो पहाड़ी, ठहरो दादा। मैं कोई ऐसा ऐसा इंसान नहीं हूं। मुझे लोग इंस्पेक्टर सूरज सूरज, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या पहाड़ी पहाड़ी ठहरो, ये मुसीबत का सताया हुआ मिसाल है। नौकरी को इस्तीफा देकर आया, छोड़ दी पुलिस की नौकरी। लेकिन तेरे आंखों में आंसू क्यों? आखिर बात क्या? बताओ बस सदा। दादा, मेरे गांव के लोगों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया है, मिटा दिया मेरा आशियाना, मिटा दिया मेरा परिवार। इसलिए मैं डाकू बनने के लिए आशियाना किसने मिटाया है? कौन है माता चो? इसी रामगढ़ के, इसी रामगढ़ के जमींदार, जमींदार जिन्हें लोग कहते दादा ठाकुर, और सबसे सिग्नल मेरी दुनिया में। सरदार, तेरा नाम क्या है? सरदार, दादा, इस सूरत को संभालो, दादा ठाकुर और शमशेर सिंह से मैं निपट कर। तुम्हारी मौत आ गई है क्या? उनकी माँ का बुआ काम के बाद है। साले तुमने मेरी चड्डी उतार दी। साले लड़का कर दिया था। तुम वहां जाते मर जाते साले। सूरज, मेरे अंत तक आए हो, डाकू बनना चाहते हो। डाकू बनने से पहले तुमको शिमा भवानी के सौगंध खाना होगा। किसी साथी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, अपने दुश्मनों से बदले चुकाएंगे। ये शर्त मंजूर है तो पहले सौगंध खा लो। दादा, तुम लोगों को मेरे ऊपर विश्वास हो यकीन है, क्योंकि मैं पुलिस का आदमी हूं ना, लेकिन ना इसी भरी चंबल में सीमा भवानी की सौगंध खाके करता हूं ना, ना तो अपने साथियों के साथ में गद्दारी करूंगा, ना तो कोई मकारी करूंगा। इस राइफल से गोली उन कुत्तों के लिए निकलेगी जिन कुत्तों ने देश में गंदगी फैला रखी। दादा, भवानी के साथ कसम इस चंबल के पानी की, आज कसम दुश्मनों को जान से मार नहीं दूंगा। ले चलो उस अड्डे पे जहाँ इंसान से हैवान बनाया जाता है। सुनो, आज से
हमारे सरदार बूढ़े हो चुके हैं। क्या हमारे सरदार बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आज से हम लोग आपको अपना सरदार बनाते हैं। दादा करके तुम लोगों ने अपना सरदार घोषित कर लिया है, तो आज के बाद अपने गैंग का एक ही नारा रहेगा। कौन सा रहेगा? अरे वो नारा नहीं, अपने गैंग का नारा एक ही रहेगा। अपने गैंग का नारा मारो यार। भैया सूरज और मेरे बड़े भैया, आज से समझना कि तुम्हारी बहन इस दुनिया में ना ही कोई थी और ना ही तो है, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी बहन तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। सामने नदी दिखाई देती है, जाकर इस नदी में अपनी जान को गवा दूंगी। कौन बीती लिख ले बिदना मोरा रे करमवा कोनो घाट नहीं लागलवा, हो कोनो घाट नहीं लागलवा जिंदगी हमार कोनो घाट नहीं लागलवा। मुझे मर जाने दीजिए, मुझे क्यों आपने रोक लिया? मेरी दुनिया उजड़ गई है। क्या मेरी कहानी कुछ तक कम से भरी हुई है जो मैं आपको सुना रही हूँ? क्यों नहीं वो कहानी हमें सुनाओ, आखिर तुम्हारे साथ में हुआ क्या? और दर्द कम से भरी है मेरी दासी। लाखों की खीरिया सर और कटती थी आराम से, सत्यवादी के सबब पर मिट गई मारी मारी। मेरा नाम चंदा है। चंदा? हाँ भैया। लेकिन तुम्हारे साथ में कौन सी ऐसी घटना घट गई जो तुम अपनी जान देना चाहते थे? हम अपने परिवार में दो लोग रहते थे, एक मेरे पति और हमारा मेयर में हमारे दो भाई थे, लेकिन हमारे भाई के द्वारा हमारे पति का खून हो गया। वैसी मैं अपने लाश पति की लाश पर रो रही थी,
वैसे दरिंदे दो आकर के मेरी इज्जत का लूट कर मुझे बर्बाद कर डाला। आपने मुझे रोक कर बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। नहीं नहीं चंदा, तुम उन आदमियों का नाम बताओ, मैं उनको घसीट कर ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि ना तो किसी किताब में लिखी होगी ना तो ने कभी आता। लेकिन साहब, मैं उन वैसी दरिंदों का नाम और पता नहीं जानती हूँ। तो क्या तुम उन्हें पहचानती हो? जी हाँ साहब, अगर वो दरिंदे मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं उन्हें पहचान लूंगी कि ये दरिंदे हैं जो मेरी इज्जत को लूटा है। तो ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, आज से तुम हमारी गाड़ी में बैठ करके इधर उधर घूमोगे, जिस वक्त उन दरिंदों का चेहरा तुम्हारे सामने आ जाए तो हमें बता देना, मैं उनको ऐसी सजा दिलाऊंगा या तो उम्र कैद की सजा या तो उन लोगों को फांसी का फंदा नसीब होगा। धन्य आप, क्योंकि मैं जानती हूँ आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन मैं एक औरत हूँ। लोग आपके साथ में मुझे देखेंगे, मैं एक बेसहारा विधवा औरत, तो लोग तरह तरह की उंगलियां उठाएंगे आपके ऊपर। तो मानता हूँ चंदा, लोग उंगली उठाएंगे, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर का कर्तव्य होता है कि एक अपना की रक्षा करे। ठीक है साहब, चलिए आइए हमारे साथ। तैयार हो गया, तुम्हें मालूम होना चाहिए जो जो सूरज अपने गाय का सरदार बना गया था वो काली माँ के मंदिर गया था। क्या मंदिर गया है? हाँ, सामने से डालो सूरज का ध्वज। है सूरज मेरा नाम, है सूरज मेरा कहता मैं मचा दूंगा, चाहे कुत्तों ने उसे बर्बाद किया दुनिया से। आज मुझे उन कुत्तों की याद आ रही है जिन कुत्तों ने मुझे इस मंजिल पे लाके खड़ा किया। क्या सोचा कुत्तों के लिए? नहीं, मारूंगा मारूंगा सालों को, लेकिन चैलेंज के इसलिए पहाड़ी से कहो मेरे लिए कागज कलम का इंतजाम करे और उसे मारूंगा तो मैं। काश मुझे नहीं आता है कि मैं पीठ पे वार करूं, मैं पीठ पे वार नहीं करता हूं, मारता हूं तो चैलेंज के साथ मारता हूं। ठीक है जो सूरज, उनकी माता दादा ठाकुर शमशेर सिंह, मैं तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार करता हूं। आगे का शुभ समाचार यह है, तुम जिस गली से निकलो अपने सर पर कफन बांध के निकलो, क्योंकि कफन देने वाला कोई मुनासिब नहीं होगा। गांव वालों, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी दादा ठाकुर शमशेर सिंह से है। गर्चे किसी ने बचाने या छुपाने की कोशिश की तो गांव का बच्चा बच्चा खून डालूंगा, गांव में खून की नदियां बहती नजर आएंगी। डाकुओं का सरदार डाकू नंबर एक शंकर सिंह, शंकर सिंह नंबर दो कुंदन सिंह, नंबर तीन पहाड़िया। क्या डरते हो क्या? तो क्यों नहीं नाम लिखा रहे हो? क्यों रे, नाम लिखवाने से डरता है? हम डराई थे, अब डरता तो है ही है। हम डराई थे, टक्कर सिंह, टक्कर सिंह, टक्कर सिंह एंड एंड मुसलेरी, धर साले मुसलेरी, ये कोई नाम हुआ करता है? आप भाई कहा देखे हो और बड़ा देखे हो, आगे लिखाओ, आगे लिखाओ, उटक्कर सिंह एंड मुसलेरी उर्फ
मारते खा मारते खा पहाड़ी किसको गाली दे रहे हो सालों को माधव चौदह को हम गए हमको गरी आए हैं तेरी माँ का बुआ सरदार तुम काम कहे गरीब नंबर चार तुम्हारा जानी दुश्मन 440 वर्ल्ड खतरा डाकू सूरज सुनो रे पखन्ना पकड़ो अपना इसे पकड़ो और सुन ये भेष चेंज कर दो इसी वक्त कपड़े चेंज कर दो क्यों